दोस्तों आज हम दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा जाने वाले हैं। सड़क मार्ग से इस जर्नी को हम करेंगे, साथ ही साथ आपको श्री माता वैष्णो देवी धाम से संबंधित सभी जानकारियां देंगे कि आप कैसे जा सकते हैं, रोड अभी कैसे बने हुए हैं, टोटल कितना डिस्टेंस है, कितना पेट्रोल लगेगा, कोविड की गाइडलाइन क्या है, क्या ई पास और कोविड रिपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, बाय ट्रेन बाय प्लेन जाने की गाइडलाइन क्या है, बाय रोड आप कैसे जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप कैसे जा सकते हैं, ऐसी बहुत सी अहम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है MS ब्लॉगर की एक नई सीरीज में और इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, पता चल गया होगा, सरप्राइज तो रख नहीं सकते, सरप्राइज रख नहीं सकते, टाइटल और थंबनेल सब कुछ पहले से ही बता देता है कि हम कौन सी ट्रिप पे कहाँ जाने वाले हैं। समझ गए होंगे कि हम लोग जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी भी इस ट्रिप में आपके लिए काफी सारे सरप्राइजेज हैं, बिल्कुल है ना? सरप्राइज है। ये जो पूरी ट्रिप रहेगी 10 से 12 एपिसोड्स के अंदर आने वाली है, बड़े बड़े सरप्राइज के साथ साथ। सीरीज का हमने नाम रखा है मिशन कश्मीर, क्योंकि इसमें हम माता वैष्णो देवी दर्शन करेंगे और उसके बाद हम पूरी कश्मीर वैली आपको घुमाने वाले हैं। बहुत एडवेंचरस, बहुत एंटरटेनिंग ये सीरीज रहने वाली है, तो सीरीज को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारी लाइव अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और इस पूरी सीरीज को एटलीस्ट पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बहुत शानदार ये सीरीज रहने वाली है। और ये ट्रिप भी, इस बार की ये ट्रिप भी हम अपनी अपनी फेवरेबल कार सेंट्रो से कर रहे हैं, वन ऑफ फेवरेट। और जो गाड़ी 12 लाचा जा रही है, सचपास जा रही है, तो वो तो फेवरेट है ही, उसी से टूर कर रहे हैं इस बार। मेरे बड़े भाई मोहित जी, मैं शोभित, हम ही दो लोग हैं और हमारे एक अंकल जी हैं, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। अभी ज़रा टी ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुके हैं, रात की करीब 3 बजे हुए हैं, बज रहे हैं। और एक बार जयकारे लगा दीजिए माता रानी के, क्योंकि हम जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। जय माता दी, जय माता दी। देख लीजिए MS ब्लॉगर की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो गई है, पेट्रोल डलवा रहे हैं, करीब 23 लीटर पेट्रोल आ गया है, 98.19 का आज का रेट है। दिल्ली से कटरा की दूरी करीब 650 किलोमीटर है। अभी हम लोग कुरुक्षेत्र से निकले हैं और कुरुक्षेत्र से हम लोग पहुंचेंगे अम्बाला और अम्बाला से रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा जलंधर की ओर, जो पठानकोट हमें लेकर जाएगा। रास्ते बहुत बढ़िया बने हुए हैं, पूरा हाईवे बना हुआ है। हम अपना टूर हमेशा रात में ही शुरू करते हैं, क्योंकि रात में हमें अच्छा लगता है हाईवे पर चलना और थोड़ी भीड़ भाड़ भी हाईवे पर रात में कम ही रहती है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से शिमला के लिए एक अलग रास्ता जा रहा है। दोस्तों हम लोग इतने टूर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा खर्चा भी होता होगा, तो इन सब खर्चों के बीच मैं आपको एक ऐसी चीज से रूबरू करवाना चाहता हूँ जिसके बाद मेरी काफी ज्यादा पैसों की बचत होती है शॉपिंग करते वक्त। तो अगर आप लोग ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हो या फिर अमेजॉन, मिंत्रा, AJIO जैसी वेबसाइट्स को यूज़ करते हो, तो इन वेबसाइट्स पर जाने के बजाय आप डायरेक्ट कैश करो ऐप यूज़ किया करो। कैश करो ऐप इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है, जो हर ऑनलाइन शॉपिंग पर आपको डिस्काउंट के ऊपर जबरदस्त कैशबैक और रिवार्ड अलग से देता है। खास बात यह है कि कैश करो लिटरली ऑनलाइन शॉपिंग करने के फ्री पैसे देता है और आप कैशबैक को डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। अमेजॉन, बिग बाजार, मिंत्रा, AJIO और 1500 से ज्यादा वेबसाइट पर ये आपको घर के राशन, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर दवाइयां, ट्रैकिंग का सामान और मोबाइल रिचार्ज, हर चीज पर जबरदस्त कैशबैक देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस ऐप पे खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंडिंग की हुई है और इसको यूज करना एकदम आसान है। डिस्क्रिप्शन लिंक से ऐप डाउनलोड करते ही आपको मुफ्त ₹25 मिल जाएंगे, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा कोड MSV25 डालते ही आपको इंस्टेंट ₹25 का बोनस मिल जाएगा।
फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, जैसे मैंने अमेजोन को सिलेक्ट किया है। ऑरेंज बटन दबाते ही कैस्कोर विल टेक यू टू द पर्टिकुलर वेबसाइट। नॉर्मली जो भी शॉपिंग आपको करनी है आप वो यहाँ कीजिए, और पेमेंट करने के बाद अर्न कैशबैक को माई अर्निंग सेक्शन में जाकर चेक कर लो, और फिर उसको अपने बैंक अकाउंट या फिर अमेजन वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो डाउनलोड कैश करो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन नाउ, क्या पता पैसे बचाते बचाते एक ट्रिप का ही खर्चा निकल आए। आपको एक बात बताऊं, गूगल भी एक बड़े कमाल की चीज है। बड़े अच्छे खासे हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे चल रहे थे हम, लुधियाना जालंधर वाले, और पता नहीं अब कौन से रोड पर आ गए हैं, और इसकी रोड की चौड़ाई मुश्किल से 25 फुट के आसपास हो गए, 25-30। लेकिन है पंजाब में, ये कन्फर्म है, क्योंकि जहाँ भी देखो पंजाबी लिखी हुई है। और सबसे अच्छी बात तो वो ना हिंदी लिखते हैं ना इंग्लिश लिखते हैं, सिर्फ पंजाबी रोड दिखा देते हैं। ये है रोड, चौड़ाई देखिए आप रोड की। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो गूगल मैप है ना, और गूगल मैप की भी क्या गलती है, पहले एक ही रास्ता हुआ करता था, अब उसी जगह 4 या 5 अलग अलग रास्ते बन चुके हैं। तो ऐसे में दिक्कत यही होती है कि गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है कि इनको कौन सा रास्ता सजेस्ट किया जाए। इन रास्तों को देखकर एक वो ट्रिप याद आ गई, जब एक बार हम शिमला जा रहे थे, आपने शायद देखी होगी। हाँ, 2020 के जनवरी के महीने में वो ट्रिप की थी, और कोहरा पड़ रहा था, बहुत ज़बरदस्त कोहरा था, और ऐसे ही रास्तों पे हम भटक गए थे रात में। वो सर्दियों में थी तो कोहरे की वजह से गड़बड़ हो गए थे। हाँ। लेकिन इस बार तो गूगल मैप ने अच्छा खासा हमें घुमा दिया पंजाब में। चलो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। हाईवे तो एक्सप्रेस वे तो हम देखते ही देखते हैं, आज यहाँ के पंजाब के हमें लोकल रोड्स भी देखने को मिल रहे हैं जो गांवों से होकर गुजरते हैं, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। हमेशा एक ही टाइप के रोड को फॉलो करते रहें तो वो बिल्कुल, भी बिल्कुल बिल्कुल। अब ट्रिप कर रहे हैं तो मज़ा हर तरीके से आना चाहिए ना। हाँ, और क्या, नाइट एडवेंचर, पतले पतले रास्ते रास्ते ही पता होने चाहिए कि हाँ भाई इस रास्ते से भी हम होकर गुजर सकते हैं, अल्टरनेट रोड मालूम होने चाहिए। बिल्कुल, वैसे रूपनगर मिल जाएगा ये रास्ता। हाँ बिल्कुल, रूपनगर जाएगा और रूपनगर से फिर सीधा जालंधर। हाँ, तो रूपनगर एक बार पहुँचते हैं तब आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हाँ, लग तो ऐसा रहा है कि हमने वो गाँव वाला रोड छोड़ के हाईवे पे पहुँच गए हैं। देखते हैं अभी तांगे चल रहे हैं यहाँ तो पंजाब में। यहाँ सामने से दो अलग अलग रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं, सीधा रास्ता रूपनगर निकल जाएगा और लेफ्ट हैंड से लुधियाना के लिए निकलना होगा। हम उसी रोड पर जाएंगे और यहाँ आ गया है अभी एक टोल प्लाजा। तो जी ये टोल प्लाजा, ये भी टोल प्लाजा बंद है, सब किसान आंदोलन का नतीजा है। दिल्ली से पंजाब तक, या कह लीजिए दिल्ली से पठानकोट तक जितने भी टोल प्लाजा हैं ना, अभी भी फ्री हैं। अभी हम एक और दूसरे टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं और अब हम जालंधर वाले रोड पर हैं, और ये टोल प्लाजा भी बंद है, यानी कि सारे के सारे टोल अभी फ्री हैं। सब किसान आंदोलन की वजह से ऐसा हो रहा है। और पठानकोट के बाद जब हम जम्मू में पहुंचेंगे तो वहां टोल लगेंगे, और सारा टोल का खर्चा भी आपको बताएंगे, टोटल पेट्रोल का खर्चा भी आपको बताएंगे कि कितना लगने वाला है। अभी ना चाय पीने के लिए रुके हैं, और कहते हैं ना 3 बजे के बाद रात में नींद के झपके लगते हैं, तो ऐसे में चाय पीने का मन हुआ था, तो चाय पीने के लिए एक ढाबे पर रुके हैं। होशियारपुर की ओर अभी जा रहे हैं, और हमारे भाई जी तो वहाँ पर एक पलंग मिल गया उनको, वो तो वहाँ लेट गए हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या हो गया, आराम फरमा रहे हैं, करीब 350 किलोमीटर आ गए हैं, और कभी करीब करीब इतना ही अभी बाकी भी है। थोड़ी थका देने वाली जर्नी हो जाती है रात में निकलते हैं, वैसे भी आधी रात के बाद हम लोग दिल्ली से निकलते हैं 12 बजे 1 बजे, और उसके बाद बस गाड़ी को 90, 100, 120 ऐसे चलती है हाईवे पे। और लेकिन बता रहा था ना मैं, 3 बजे के बाद 4 बजे के आसपास तो ऐसा हो जाता है एकदम कि हाँ कि सोने का मन करता है, नींद आने लगती है। तो एक बार पहले चाय पी थी, एक बार अब पी ले रहे हैं चाय। बात कर रहा हूँ आपको, ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए हम लोग निकले हुए हैं,
तो जयकारे तो लगा ही दीजिए एक बार माता रानी के कमेंट बॉक्स में, और मिलेंगे आपको दोबारा रोड पर फिर से चाय पीने के बाद। चाय अच्छी है, बढ़िया। नाम पंजाबी में लिखा है, पंजाब की एक खासियत है हर चीज़ पंजाबी में लिखी मिलेगी, हिंदी वगैरह तो नहीं, और इंग्लिश तो इंग्लिश में बहुत कम मिलती है। समोसे टेस्ट ठीक है, जाएगा। अभी हम लोग किशनगढ़ से निकल चुके हैं और सुबह हो चुकी है, और किशनगढ़ से थोड़ा आगे आने के बाद एक और टोल प्लाजा में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं ये भी बंद होगा क्योंकि पंजाब में सारे टोल प्लाजा बंद है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था ये भी फ्री है। और किशनगढ़ से हम दासुया होते हुए, मुकेरिन होते हुए पठानकोट पहुंचेंगे। यहाँ से भी पठानकोट रह गया है करीब 94 किलोमीटर और दासुया रह गया है 37 किलोमीटर। लेकिन अभी हमें पहले डलवाना होगा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल की भी पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है। यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट है 102 रुपए 41 पैसे, और जो पीछे हमने डलवाया था रात में यहाँ 102 रुपए 41 पैसे। ठीक है, तो पेट्रोल से तो हो गई है गाड़ी फुल। अभी निकल चुके हैं हम लोग और दासुया आने वाला है। फाइनली दासुया हम लोग पहुंच चुके हैं, और दासुया से ना दो अलग अलग रास्ते डाइवर्ट होते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड पर आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये अमृतसर के लिए निकल जाएगा, और आगे भी डाइवर्जन है। यहाँ से भी आप लेफ्ट हैंड पर जहाँ ये ट्रक जा रहा है, इधर अगर आप जाते हैं तो लेफ्ट हैंड पर अमृतसर है, और राइट हैंड पर जिधर हम अभी आ गए हैं यहाँ से पठानकोट और जम्मू के लिए निकल जाएंगे। अभी पठानकोट की दूरी रह गई है यहाँ से करीब 36 किलोमीटर, और एक और टोल प्लाजा आ गया है। लेकिन अभी भी हम पंजाब में हैं तो टोल प्लाजा की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। उम्मीद करते हैं ये भी फ्री होगा, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ फर्राटेदार टोल प्लाजा पर दौड़ रही। चलिए जी, ये भी टोल प्लाजा बंद है, यहाँ से भी निकलते हैं। और दिल्ली से पंजाब तक कई हजार रुपए के टोल प्लाजा पड़ जाते हैं अगर आप रिटर्न जर्नी आना जाना करें, बहुत ज़्यादा टोल प्लाजा बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल सब फ्री हैं। और अभी हम लोग पठानकोट पे मौजूद हैं। पठानकोट वैसे सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाईपास बना हुआ है, उसी बाईपास से हम सीधे आगे आ गए हैं। और पठानकोट से जम्मू अभी करीब 100 किलोमीटर के आसपास रह गया है, लेकिन पठानकोट के बाद असली परीक्षा शुरू होती है लखनपुर बॉर्डर पर, जहां अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। लखनपुर वैसे तो पंजाब में आता है, लेकिन लखनपुर के बाद जम्मू कश्मीर की सीमा शुरू हो जाती है, और यहीं पर बॉर्डर बनाया गया है जहां कोविड रिपोर्ट की चेकिंग होती है, सर्टिफिकेट, अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो आपको दिखाना होगा। चलिए क्या क्या होता है सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं यहाँ पे, और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे पहले, और उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। लो साहब गाड़ी आगे लगा सर। हम तीनों लोगों ने अपना दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा दिया है, और अब आप लोगों को यहाँ की पूरी डिटेल देंगे कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो क्या क्या आपको झेलना पड़ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है अभी यहाँ पर, ये कुछ इस तरह का आपको फॉर्म लेना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर कोविड की जाँच करवानी है। तो जम्मू कश्मीर में एंट्री करते वक्त बॉर्डर पर रुके हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ है, और बिना कोविड रिपोर्ट के आप एंटर ही नहीं कर सकते जम्मू में। टेस्टिंग करानी पड़ेगी, या तो आपको यहाँ पर आकर टेस्टिंग करानी पड़ेगी, अगर आप लेकर आते हैं टेस्ट तो वो मान्य हो जाएगा, बट वो ऑथेंटिकेटेड हो, अप्रूव्ड हो ICMR लैब से, वही रिपोर्ट मान्य होगी। कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा, इसको फिल करना है, उसके बाद जांच होगी और तब आपको आगे जाने की परमिशन मिल पाएगी। एक फॉर्म आपको लेने के बाद आपको फिल करना होगा, आपकी पर्सनल डिटेल वहाँ डालनी होगी, और आपको यहाँ लाइन में लग के एंटीजन टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद ही आप बॉर्डर पार कर पाएंगे अगर आप नेगेटिव आते हैं तो। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर, क्योंकि माता वैष्णो देवी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, वीकेंड पर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है।
क्या हो रही है कोविड की जांच जम्मू बॉर्डर पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है उधर, पार्किंग में बसेस खड़ी हुई हैं, ये सब वही बसेस हैं जो वैष्णो देवी के लिए जा रही हैं, तो इसलिए काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो अगर आप लोग आते हैं तो हो सके तो पहले से ही कोविड की जांच करवा के आइएगा, RT-PCR करवा लीजिए चाहे एंटीजन टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन एंटीजन टेस्ट भी अप्रूव्ड होना चाहिए, उस पर डॉक्टर की स्टाम्प और साइन जरूर होने चाहिए, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लखनपुर बॉर्डर जहाँ पर जम्मू आने वालों के लिए कोविड की जांच पहले की जा रही है, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। भीड़ देखिए आप यहाँ पर। फाइनली बॉर्डर की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर की सीमा में घुस चुके हैं। तो अगर आप लोग बाय रोड आते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, और अगर आप बाय ट्रेन भी आते हैं तो भी आपको कोविड की जांच करवानी ही पड़ेगी, रेलवे स्टेशन पर जांच होती है। अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो एयरपोर्ट पर भी आपको जांच करवानी पड़ेगी, या फिर आपको डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना होगा या फिर अप्रूव्ड कोविड टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी। अब ये आ गया है पहला टोल प्लाजा, 85 रुपये है यहाँ का टोल जम्मू कश्मीर का, और यहाँ तो हमें टोल देना ही पड़ेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में टोल फ्री नहीं है। अभी हम लोग कथुआ के आसपास हैं, लखनपुर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है कथुआ कस्बा, और जम्मू कश्मीर की सीमा में हम लोग पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी हमें ब्रेकफास्ट करने का मन हो रहा है तो यहाँ ढाबे पर साइड में लगाते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे पहले और उसके बाद आगे की जर्नी करेंगे, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल देते रहेंगे। तो अभी वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। क्या ऑर्डर करा है? पराठे, दाल पराठे और चाय। ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं, जम्मू में एंट्री हो गई है, लखनपुर बॉर्डर भी क्रॉस कर दिया है। क्या टाइम हो रहा है अभी? टाइम हो रहा है 10:15। 10:15 बजे तो ब्रेकफास्ट करने का मन हो रहा था, पराठे वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं, और जिससे मुझे लग रहा है दो ढाई घंटे का रास्ता हो गया होगा। हाँ, 2.5 घंटे का कट रहा था, 10:30, 12, 1 बजे तक। चलो ठीक है, अगर कंटिन्यू चलते तो 1 बजे। चलो, पराठे आ गए हैं। कौन सी दाल है ये? सांबा से कटरा की दूरी करीब 85 किलोमीटर है, और अगर डायरेक्ट आप सांबा से कटरा जाते हैं तो आपको टोल भी नहीं देना पड़ेगा, और एक रास्ता है सांबा से जम्मू होते हुए कटरा आइए, उस पर आपको टोल पे करना पड़ता है, लेकिन हम जम्मू होके ही जाएंगे क्योंकि हमें आपको सारे रास्ते दिखाने हैं और जम्मू शहर भी आपको दिखाना है। सांबा से करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू शहर मौजूद है, और फाइनली अभी हम जम्मू सिटी में पहुंच चुके हैं, और बहुत बड़ा शहर है जम्मू, पूरे जम्मू शहर से होकर निकलेंगे और पूरा जम्मू सिटी आपको दिखाएंगे। अगर आप जम्मू में भी घूमना चाहते हैं ना तो जम्मू में भी बहुत सारी जगह हैं आप घूमने आ सकते हैं, यहाँ पर आप रघुनाथ मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट, बहुत से श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी दर्शन करने आते हैं वो जम्मू आने के बाद रघुनाथ मंदिर में भी जरूर जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर एक बागे बाहू नाम का एक बाग है वो भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। फिलहाल हम जम्मू सिटी में मौजूद हैं, और आपकी स्क्रीन पर जो आप शहर देख रहे हैं यही है जम्मू शहर। जम्मू से कटरा की दूरी करीब 46 किलोमीटर रह जाएगी, वो रोड भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल जम्मू से हम आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ रहती है, और अगर आप कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं तो सभी तरह का मार्केट जम्मू शहर में मौजूद है। स्टे करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, होटल, और इसके अलावा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कुछ गेस्ट हाउस भी यहाँ पर बने हुए हैं। रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है जम्मू सिटी में भी, और अब तक जितनी भी हमने जर्नी करी है दिल्ली से जम्मू तक, बहुत फर्स्ट क्लास बढ़िया रोड देखने के लिए मिले हैं, तो काफ़ी फास्ट आप इस टूर को कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट आप जम्मू तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर लोकल में ना कुछ इस तरह की बसेस चलती है छोटी छोटी, और इनमें बैठने का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत शानदार है। रेलवे स्टेशन से रघुनाथ मंदिर आप जाना चाहते हैं तो 10 रुपये ये बस वाले लेते हैं, और आप आराम से रघुनाथ मंदिर पहुँच जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हमें जम्मू सिटी में घूमना पड़ता है, उसके बाद ही हम कटरा के लिए निकल पाएंगे। वैसे तो एक सीधा रास्ता भी निकलता है, आप चाहें तो श्रीनगर वाला जो हाईवे मेन बना हुआ है उससे निकल जाइए, लेकिन हमारा मन है कि हम जम्मू सिटी में जाएं
और वहाँ की सिटी के कुछ नज़ारे देखें और आपको भी दिखाएं कि जम्मू शहर एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो शायद सभी लोगों ने पूरा जम्मू शहर नहीं घूमा होगा, तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे सिटी को घूम सकते हैं। यह है जम्मू का मेन मार्केट, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हम इसी रास्ते से इसलिए आए हैं क्योंकि आपको पूरा जम्मू दिखा सके। यहाँ से हमें लेना होगा राइट टर्न और अभी आगे हम बढ़ चुके हैं। बहुत खूबसूरत शहर है जम्मू, और अभी जम्मू से लगभग हम आउटर पर आ चुके हैं और अब हम जम्मू से कटरा वाले रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं। जम्मू से कटरा का जो रास्ता है वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी चौड़े और अच्छे रोड बन चुके हैं, लेकिन कुछ दूरी पर हाईवे रहने के बाद अब ये पहाड़ी रास्ते में कन्वर्ट हो जाता है और सीधा यही रास्ता ही श्रीनगर के लिए भी निकल जाता है। हम आपको वो पॉइंट भी दिखाएंगे कहाँ से आपको कटरा के लिए डाइवर्जन लेना है और कहाँ से आप श्रीनगर के लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल हम मौजूद हैं जम्मू से कटरा वाले रोड पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह का हाईवे यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो पॉइंट आया है ना, ये वही पॉइंट है। आपको जम्मू सिटी में एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप जो राइट हैंड पर रोड देख रहे हैं आप सीधे इस रोड पर आ जाइए, आप कटरा के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हमें जम्मू कवर करना था, जम्मू का मार्केट देखना था और आपको दिखाना था, इसीलिए हम जम्मू सिटी के अंदर से आए हैं। और अब जो ये सीधा रोड जा रहा है, फोर लेन रोड है, ये श्रीनगर के लिए निकल जाता है। यहाँ पर आगे मौजूद है एक चेक पोस्ट, देखते हैं चेक पोस्ट पर क्या होता है, क्या पूछताछ होती है, जो भी होगा आपको बताएंगे। यहाँ से कटरा अभी 37 किलोमीटर रह गया और पटनी टॉप 101 किलोमीटर। पटनी टॉप भी आपको इस टूर में देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सी कॉमन चेक पोस्ट थी, पूछ रहे थे कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट है या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है या नहीं। सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हम लोग आगे निकल गए हैं। तो हम लोगों ने जम्मू पार कर दिया है, जम्मू हमने आपको दिखाया था, मार्केट से होकर निकले थे और अभी हम आ गए हैं जम्मू से कटरा वाले रोड पर। एक घंटा लगेगा अभी मुश्किल से, हाँ एक घंटे का सफ़र और बाकी रह गया है और पहुंच जाएंगे कटरा। रास्ता आपको दिखाते रहेंगे, अब तक दिखाया था आगे भी दिखाएंगे। अब पहाड़ों पर हम लोग आ चुके हैं और रोड यहाँ पर फोर लेन बन चुका है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। पहले यहाँ पर इतने चौड़े चौड़े हाईवे नहीं बने हुए थे, लेकिन अब बहुत अच्छे रोड बन चुके हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार लेकर भी आना चाहें तो आसानी से आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहेगा, बहुत अच्छे हाईवे बने हुए हैं। लेकिन अगर आप सांबा से जम्मू होते हुए कटरा आते हैं तो आपको एक टोल प्लाजा फेस करना पड़ेगा, वो टोल प्लाजा भी अभी आने वाला है। और अगर आप सांबा से डायरेक्ट कटरा के लिए निकलते हैं तो एक अलग रोड है, किशनपुर डोमिल रोड, आप उससे निकल जाइए। रास्ता वो भी लगभग उतना चौड़ा नहीं है, लेकिन दूरी लगभग बराबर है, लेकिन वहाँ आपको टोल प्लाजा देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत रोड है, बहुत शानदार ये जर्नी रहती है जम्मू से कटरा तक की। और जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए बसेस भी चलती हैं जो 60 से 70 रुपये एक पैसेंजर का किराया लेते हैं, वो एक्सपीरियंस भी बहुत लाजवाब रहता है। जो लोग ट्रेन से आते हैं वो जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा तक बस से आ सकते हैं, और टैक्सी के ऑप्शन भी वहाँ अवेलेबल है। यहाँ पर मौजूद है एक पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल का भी कोई इशू नहीं है। और अब आ गया है वो टोल प्लाजा जिसके बारे में मैं आपसे बता रहा था। 140 रुपये यहाँ पर टोल फीस है कार के लिए। अगर आप सांबा से डायरेक्ट कटरा के लिए निकल जाते हैं तो आप इस टोल प्लाजा को स्किप कर देंगे, लेकिन वो एक सिंगल रोड है, वो उतना अच्छा रोड नहीं है, लेकिन मेन हाईवे यही वाला है, अमूमन लोग इसी रोड से निकलते हैं। अभी हम टोल प्लाजा से आगे बढ़ चुके हैं और अब रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत होता चला जाएगा। दोनों साइड में आप देख रहे होंगे पहाड़ मौजूद है और सामने अब आ गई है पहली टनल श्री माता वैष्णो देवी धाम जाते वक्त। चलिए आपको टनल में घुमाते हैं, बहुत खूबसूरत टनल और बैक टू बैक बहुत सारे टनल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। सारी टनल आपको दिखाएंगे, छोटी छोटी टनल है लेकिन बहुत खूबसूरत है। जम्मू से 45-46 किलोमीटर का ये रास्ता भी बहुत शानदार है।
यहाँ की यात्रा का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है, जगह जगह फूड पॉइंट भी अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ गई है एक और दूसरी टनल। इस तरह की छोटी छोटी कई सारी टनल बैक टू बैक यहाँ देखने के लिए मिल रही है। इस टनल से भी हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अब आप देख रहे होंगे कि पूरी तरह से यहाँ का नेचर, यहाँ का जो डायनामिक्स है वो चेंज हो चुके हैं। और अब एक और टनल आ गई है तो उसके बाद आप देखेंगे पूरी तरह से लोकेशन चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से आप पहाड़ों के बीच में पहुंच जाएंगे। और ये वाली टनल पिछली टनल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है। और जो रेलवे से आते हैं, जो डायरेक्ट कटरा तक ट्रेन आती है, वो एक्सपीरियंस भी बड़ा शानदार रहता है। उसमें भी बहुत सारी अलग अलग टनल देखने के लिए मिलती हैं। तो इस टनल से भी हम लोग आ गए हैं बाहर, और जैसे ही हम बाहर आए तो सामने एक और टनल देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरह से बैक टू बैक चार टनल से हम लोग होकर गुजर रहे हैं। इसीलिए माता वैष्णो देवी यात्रा का जो एक्सपीरियंस रहता है, मतलब जो सफ़र रहता है मंजिल से पहले का जो सफ़र है, वो भी बहुत खूबसूरत है। यात्रा माता वैष्णो देवी की तो लाजवाब रहती है। अभी हम इन सभी टनल से बाहर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ अब पूरी तरह से यहाँ के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, पूरी तरह से हम पहाड़ों के बीच में पहुँच चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ से रोड डाइवर्ट हो रहा है, जो सीधा रोड जा रहा है वो श्रीनगर के लिए निकल जाएगा, और जो ये लेफ्ट हैंड पर हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं ये कटरा के लिए निकल जाएगा। अगर आपको श्रीनगर या पटनी टॉप जाना है तो आप सीधे निकल जाइए, अगर आपको कटरा माता वैष्णो देवी दर्शन करने आना है तो यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लीजिए। वही टर्न हमने अभी लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर रोड हो गया है अब सिंगल। एक चेक पोस्ट, और इस तरह की कई चेक पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी जब आप जम्मू कश्मीर में आते हैं, और जगह जगह चेकिंग भी होती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बसेस आप देख रहे हैं ये वही बसेस हैं जो जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टैंड तक चलती हैं। 60 से 70 रुपये एक पैसेंजर का किराया लिया जाता है। रोड सिंगल है लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर आ गया वो चेक पोस्ट जहाँ पर सभी बसेस की चेकिंग होती है और उनके लगेज की चेकिंग होती है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर नहीं रोका गया है। सभी पैसेंजर्स हैं जो बसेस से उतरे हैं, सभी की चेकिंग होगी, लेकिन कार वालों को यहाँ नहीं रोका गया है। क्यों नहीं रोका गया है वो नहीं कह सकते, रोकना चाहिए था, चेकिंग सभी की होनी चाहिए। थोड़ा आगे आ गए हैं तो एक और हमें टोल प्लाजा देखने के लिए मिला है, और ये शायद लोकल टोल प्लाजा है यहाँ का, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से है कटरा की। 75 रुपये चार्ज करते हैं ये एक कार से, उसके बाद ही आप कटरा में एंट्री ले पाएंगे। तो ये फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी, पहले 140 का टोल देना होगा, फिर 75 रुपये यहाँ पर देने होंगे, उसके बाद ही आप आगे कटरा में एंट्री ले पाएंगे अगर आप अपना वाहन लेकर आते हैं, अपनी कार लेकर आते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने जो टोल पे किए हैं दिल्ली से अब तक, 185 रुपये का टोल पे किया था, और एक अभी पीछे कटरा आते वक्त 140 का टोल पे किया था, और एक टोल पे किया है हमने ये 75 रुपये वाला। फिलहाल हम कटरा में एंट्री ले चुके हैं। इस तरह से करीब 525 रुपये के टोल पे करने पड़ेंगे जाने और आने में, जब तक दिल्ली से पंजाब के टोल फ्री हैं, लेकिन जब वो टोल चालू हो जाएंगे तो टोल का खर्चा बढ़ जाएगा। फिलहाल हम कटरा में एंट्री ले चुके हैं। यहाँ बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की गेस्ट हाउस और कॉम्प्लेक्सेस भी अवेलेबल हैं। कहीं भी आप स्टे कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन भी अगर आप रूम बुक करते हैं ऑन द स्पॉट आकर, तो भी आपको रूम आसानी से मिल जाएगा। 600-700 रुपये से, या बल्कि 500 रुपये से रूम की स्टार्टिंग हो जाती है, जो 3-4 हज़ार तक जाती है। यह पूरा कटरा सिटी। अभी हम आपको लेकर चलते हैं कटरा के मेन बस स्टैंड के पास में। और पेट्रोल के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो करीब वन साइड हमारा सेंट्रो कार में 40 लीटर के आसपास तेल खर्च हुआ है, यानी 4000 के आसपास, और दोनों साइड का लगाएं तो करीब 8000 का खर्चा आएगा सेंट्रो कार में। अभी हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड वाले रोड पर, और सामने मौजूद है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, और उसके आगे मौजूद है यात्रा पर्ची काउंटर। और आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी भी यहाँ पर,
और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी वैष्णो देवी यात्रा कराएंगे और पूरी यात्रा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। अभी हम बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं, कितनी सारी बसेस खड़ी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अभी इस वक्त कटरा में मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो आप भी आ सकते हैं। कैसे आना है वो सारा तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और यात्रा आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और कहाँ आपको ठहरना चाहिए सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सामने मौजूद है निहारिका कॉम्प्लेक्स, कैसे यहाँ पर बुकिंग करनी है, कैसे आप यहाँ रुक सकते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। कैश करो इज एन ऑल इन वन ऐप जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है। जस्ट डाउनलोड कैश करो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक और डायरेक्टली डाउनलोड द ऐप ऑन योर फोन एंड पुट द कोड MSV25 व्हेन यू साइन अप एंड देन जस्ट शॉप ऑन एनी वेबसाइट वी आर कैश करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जो लोग माता वैष्णो देवी दर्शन करना चाहते हैं या करने जाने वाले हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है और सभी के कमेंट पढ़ते भी हैं, तो कमेंट जरूर करिए, जय माता दी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बाय, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।